यहाँ पे दोस्त आ गई बचाने के लिए नैना को, क्या झूठ बोलना पड़ गया? झूठ तो नहीं, मैं उसकी फैमिली को कन्विंस कर रही हूँ पार्टी में इसको ले जाने के लिए, तो झूठ तो नहीं बोली बट कहीं ना कहीं उसको कन्विंस कर इसको लेके जाने के लिए झूठ बोल रही हूँ। नैना के लिए नहीं दुविधा आ गई है, समीर के लिए वापस एक बार सानी से झूठ बोलना पड़ रहा है। उसमें नया तो अब कुछ नहीं रहा बिकॉज नैना अभी समीर के लिए बहुत बार झूठ बोल चुकी है, वो सिर्फ समीर के लिए ही झूठ बोल चुकी है और वो समीर के लिए ही झूठ बोलती है, तो एक और बार बोलना पड़ रहा है तो फिर से बोल रही है। व्हेन इट कम्स टू समीर तो नैना कुछ भी कर सकती है। इस बार किस वजह से झूठ बोलना पड़ेगा? ये उन दिनों की डेटिंग है एक्चुअली, तो ये उन दिनों की डेटिंग के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। रीजन जस्टिफाई हिज बर्थडे ओके ओके, तो समीर का बर्थडे है इसलिए नैना को उसकी पार्टी में जाना है, समीर ने उसे इन्वाइट किया है और अपने घर पे तो बोल के जा नहीं सकती, तो इसलिए बस इसने मेरा साथ दे दिया, जा लिया। तो इतिहास जो है जब जब झूठ बोला है बहुत गंदी तरह से बैन बजे, तो इसमें भी कुछ सीन है ऐसा? मैं फिर से यही कहूँगी आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं बर्थडे में जाने भी वाली हूँ कि नहीं मुझे वो भी नहीं पता, बट मैं ट्राई पूरा कर रही हूँ। आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, बैंड बजेगा या नहीं बजेगा तो आपको देखना पड़ेगा। एज अ फ्रेंड कितना सपोर्ट करेंगे आप नैना को? मैं तो 100% दूंगी अपना। इसे कुछ नहीं पता है बाय द वे, ये खुद समीर पर लाइव मारती है और ये अपनी सेटिंग करने में लगी है।